अजय जी, सालोद पुराने की ग्रेनेस जो रेस्टोरेंट है उसमें आज देखा जा रहा है आपने आइसोलेशन होम बनाने के लिए एक डिसीजन लिया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये आइसोलेशन सेंटर है विद बेसिक ऑक्सीजन सपोर्ट. एक्चुअली दिस इज़ अ लेटर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल. अभी जो कोविड का सेकेंड वेव का संक्रमण है, द मेडिकल हॉस्पिटल्स आर गेटिंग ओवरवेल्म्ड. सो इट इज़ अ गुड डिसीजन बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल टू आस्क एनजीओज एंड अदर संघ संस्था फॉर हेल्प. सो दैट इज़ वाई व्हेन वी गॉट दिस लेटर हम लोग इसका बारे में थोड़ा चर्चा किया हम लोग का टीम मेंबर्स के साथ, दार्जिलिंग इनिशिएटिव एडवर्ट्स फाउंडेशन. एंड वी हैव सेड दैट सिंस वी आर क्लोजली इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू अ वेरी गुड हॉस्पिटल इन दार्जिलिंग, प्लांटर्स हॉस्पिटल सिर्फ 100 मीटर दूरी है. सो डॉक्टर प्लबन वहाँ का मेन डॉक्टर है, डॉक्टर प्लबन दास. So after discussing with him, we have decided to have an isolation center. The medical side, because we are not medically trained, the medical side of the isolation center will be handled by Dr. Plavan Das. Din mein do round karega, there will be a doctor on call, nurses vagera, or ward boys, volunteers, hum log karega, citizens of Darjeeling. And whoever is in the isolation ward will get priority for vaccination. So ये हम लोग का contribution है. अभी जो India में, भारत में और West Bengal में हो रहा है, this is a war. This is where the enemy आप देख नहीं सकता है, but this is definitely a war. And in war, war का समय में the citizens have to come forward to do their help, to do their bit for their people, for their state, for their country. So इसलिए हम लोग ये तय किया है that चिट्ठी भी लिखा है the chief medical officer, very cooperative. So Tuesday एक दो criteria है. So एक दो criteria के लिए district hospital से doctor आके check कर रहे हैं. So by Tuesday if we can get the go ahead, then by Wednesday we will start 20 bed first step. और उसका बाद वी विल लुक एट द केस लोड इन दार्जिलिंग. सो उसका बाद हम लोग ये अपग्रेड करके 40 to 45 बेड्स करेंगे. लेकिन आज का सिचुएशन प्राइवेट नर्सिंग होम्स, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. अभी दार्जिलिंग में प्राइवेट नर्सिंग होम में बेड मिलना बहुत मैंने डिफिकल्ट. दैट इज़ वाई वी सेड दैट वील मेक द स्टेप ऑफ टर्निंग ग्लेनरीज मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड हेरिटेज रेस्टोरेंट into the service of the citizens of Darjeeling. Will you be closing the hotel? No, the bakery will be on, okay, which is in another level. The restaurant will be completely isolated, okay. The people who will be coming to the restaurant will not be able to, they will, space nahi milega niche aane ke liye, because all the space will be barred, will be closed. The isolation ward will be completely different from the bakery. और bakery भी अभी तो बंद है, सिर्फ टेक अवे हो रहा है. सो इतना भीड़ भाड़ तो अभी भी यू नो बिजनेस इज अभी बिजनेस तो में सवाल ही नहीं है. सो लेट अस सी. बट देखिए, बेकरी और फ्रूट केक बिक्री करने की जान बचाने के लिए मैंने वॉट इज डू वी नीड टू सेल फ्रूट केक्स एंड पैटीज और टू सेव लाइव्स. I feel to save lives is more important. And bakery इसके बाद ये isolation center के बाद bakery भी चलने बंद होगा शायद. आदमी लोग को डर होगा है ना. We will close the bakery. So how do you plan to fund the whole project? Yes. How do you plan to fund the whole project? Fund हम लोग कैसे fund करेगा ये total project is with our personal savings. गवर्नमेंट देखिए, गवर्नमेंट हम लोग का चीफ मेडिकल ऑफिसर बोला है एनी हेल्प दे रिक्वायर इन टर्म्स ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स, ग्लव्स, मास्क, वो प्रोवाइड करेगा. दैट इज़ वेरी गुड फॉर अस. लेकिन हम लोग का एमपी और जो एमएलए भी अभी का एमएलए है, आई विल राइट टू देम इफ यू कैन गेट ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स एंड ऑल्सो वेंटिलेटर्स. वेंटिलेटर्स तो ग्लेनरीज में रख के माने इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज यू नीड अ टेक्नीशियन. बट देन द वेंटिलेटर्स कैन बी डोनेटेड टू डिफरेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स. अभी
Darjeeling mein ventilators are there only in district hospital, and after that capacity is over wo fir Siliguri jana padega. Aadmi log ka option nahi hai. In Siliguri jane se udhar bhi bed ka kami hai aur fir garib aadmi log kaise afford karega 30,000-40,000. So MP ka ventilator aane se MLA through, if you can get ventilators, we'll donate it to private nursing homes and they can start a makeshift ICU straight away. Earlier you were telling us that you put the sales income in the, so what about that? So abhi dekhe, abhi bakery mein jo bikri ho raha hai, uska total nafa jo hai, we are using it for various social issues on COVID-19. Abhi bakery ye jab isolation ward isolation center khul jayega, isme customers log ghabrane se aur sale kam hone se ye band karna padega, lekin we will fund it with our personal savings. So will this affect the salary of the workers here, because there's a lot of staff here? Glenarys is we have thought ahead of this, so we already, what we did was that we vaccinated 50% of our staff, and people who were who were 40 and below, a lot of them will be volunteering. Volunteer karne ka sath, they are COVID frontline workers, so they will get their vaccinations ASAP. Jo patient yahan par hai, un logo ko koi charge dena padega? No charges. Until when do you plan to do this? देखिए अभी लॉकडाउन का समय है, सो अभी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का ऑर्डर है रेस्टोरेंट्स क्लोज होने के लिए, सो दैट इज वाई वी विल डू इट नाउ. इफ द ऑर्डर, इफ थिंग्स गो बेटर एंड रेस्टोरेंट विल बी आस्क्ड टू ओपन, दैट टाइम वी विल आइदर शिफ्ट इट समवेयर और एट दैट टाइम वी विल यू नो. बट वेन वी फ्रॉम आइसोलेशन सेंटर जब नॉर्मल रेस्टोरेंट में we will come back to normal restaurant, we will close it for 10 days, we will air it out, we will sanitize the whole place, sanitize everything, and then we will open the restaurant. But that is some time now. I don't think restaurants will open in the next month or so. It will take some time because ye situation from bad to worse ja raha hai. Darjeeling kal record number of infected cases, kal रिकॉर्ड नंबर इन्फेक्टेड 600 प्लस, सो ये संक्रमण और बढ़ना है, ये इट विल गो हायर बिफोर इट कम्स डाउन. सो द एंटायर मेडिकल सपोर्ट विल बी फ्रॉम मेडिकल. देखिए क्योंकि हम लोग मेडिकल ट्रेन नहीं हैं, वी आर प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस बैकग्राउंड वाटर बैकअप जनरेटर्स फूड, दीज आर द थिंग्स वी आर प्रोवाइडिंग. Tie up with Dr. Plaban from Planters, will look after the entire medical side of it. So kisko admission dena hai, kisko discharge dena hai, kisko aur ventilator support chahiye. Ventilator support to Glenarys mein nahi hoga na, so uska le mane to take them to a next place, all those things medical medicines, regular checkup of their oxygen levels, those are the prerogative of the medical doctor with his team.